नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल स्टडी विद आरस में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सर्वोदय राज्य स्तरीय परीक्षा के बारे में। सर्वोदय विचार, जो गांधी जी के विचार है उससे संबंधित ये परीक्षा होगी, जिसमें दो ग्रुपों के अंदर बांटी गई है। और ये परीक्षा कैसे होगी, किस प्रकार से इसका पाठ्यक्रम आपको देखना है और क्या क्या इसमें आपको करना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, इसमें जो है कि मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी, जिसमें 2021-22 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए विचारों और मूल्यों का प्रसार करने के लिए इसमें राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कला साहित्य और संस्कृति पुरातत्व विभाग द्वारा ये सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 आयोजित की जाएगी। ये पूर्णतः परीक्षा जो होगी निःशुल्क होगी, और इसकी नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगी, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक NGO के थ्रू इसका आयोजन करवाएगी। ठीक है, तो जिसमें आपको जो है ये परीक्षा जो होगी ये प्रतिवर्ष आयोजन की जाएगी, और इसमें एक दिवसीय परीक्षा होगी जिसके अंदर दो ग्रुपों में बांटा गया है। एक महाविद्यालय स्तर पे जिसमें ग्रुप वन क्या कहा गया है, और एक कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को ग्रुप टू में शामिल किया जाएगा। परीक्षा की अवधि जो है 90 मिनट की होगी, और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कहने का मतलब 100 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुवैकल्पिक जो है प्रश्न होंगे। तो 90 मिनट का टाइम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा आपको। और सर्वोदय विचार परीक्षा 14 नवंबर को 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। और इसके अलावा अगर कोई कोविड का संक्रमण ज़्यादा होता है, उसकी गाइडलाइन का पालन करते आयोजित जो परीक्षा होगी आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, इसका ऑनलाइन जो है बोर्ड पर आवेदन करना है, और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है स्कूल स्तर पर, तो आपको विद्यालय की लॉगिन आईडी से करना है, जो लॉगिन आईडी जिससे आप बोर्ड का फॉर्म भरते हो, 10th का 12th का जो भी आप फॉर्म भरते हो उसके लिए जो लॉगिन आईडी आपको दी जाती है उस लॉगिन आईडी से आपको भरना है। और इसी प्रकार से महाविद्यालय के लिए जो उसका कोड होता है AISHE कोड जो होता है वो, और रजिस्टर्ड AISHE कोड रजिस्टर्ड मेल या मोबाइल द्वारा भेजे गए पासवर्ड का उपयोग करके इसमें आपको भरना है। और इसका आवेदन जो है शुरू हो चुका है, इसका मैं बताऊंगा अभी आवेदन कैसे आपको करना होगा। और इसका टाइम जो है वो आपका 11-9 सितंबर से लेके और 30 सितंबर के बीच में रात्रि 12 बजे तक का टाइम है जिसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन का नमूना और इसके पूर्णतः दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, और नीचे एक मैंने लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाके आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो। वहाँ ताज़ा इससे संबंधित अपडेट है वो आपको मिलते रहेंगे, और इसके आवेदन से संबंधित और इसके दिशा निर्देश परीक्षा के लिए और इसके पाठ्यक्रम और सारी जानकारी उस पर आपको नीचे मिलेगी। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ताज़ा अपडेट उस पर मिलती रहती है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पाठ्यक्रम के अंदर क्या होगा, जीवन वर्त, गांधी जी के आदर्श, समर्पण, उनसे संबंधित पुस्तकों में रहेगा, जिसका पाठ्यक्रम 2 अक्टूबर को जारी किया जाएगा गांधी जी के जन्मदिन पर। उक्त परीक्षा के लिए आपको समस्त छात्र छात्राओं को, वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को विद्यालय स्तर या महाविद्यालय स्तर पर पृथक पृथक, राज्य स्तर या जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसकी सूची ऑनलाइन प्रसारित की जाएगी और पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। ठीक है, और आवेदन पूर्णतः निःशुल्क होगा, किसी प्रकार की फीस नहीं होगी। और आपको अगर ID पासवर्ड से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो स्कूल को या महाविद्यालय को, तो इसका फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, और या फिर इस पर मेल कर सकते हो basr.sarvoday@gmail.com, और ये इसका कंट्रोल नंबर है। ठीक है, अब आप करोगे कैसे, इस पर अपन चलते हैं और बात करते हैं फटाफट। जैसे आप बोर्ड की साइट पर आओगे तो आपको सबसे, जैसे आप विद्यालय में जो बोर्ड का फॉर्म भरते हो उसी बोर्ड के फॉर्म के नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, सर्वोदय विचार एग्जामिनेशन 2020। इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप बोर्ड की यहाँ पर साइट पे चले जाओगे। इधर इसके सारे इंट्रक्शन वगैरह आपको दिए गए, और वैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसका सैम्पलिंग पेपर वगैरह आप नीचे जो लिंक दिया गया उसे आप देख सकते हो। और यहाँ इसका साफ साफ नीचे लिखा गया है कि आपको, मतलब महाविद्यालय के अगर आप लॉगिन से करते हो तो आपको पासवर्ड अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, और इसमें AISHE कोड जिस प्रकार से ये है उसका लॉगिन आईडी ये कोड होगा, और उसका केवल नंबर रहेगा, मतलब इसके आगे वाले जो है ना सी वगैरह ये नहीं रहेगा। और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप इस पर मेल करें या फ़ोन कर सकते हो, आप जो ये नीचे दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा नीचे एक स्पेशली दे रखा है इन्होंने कि अगर आप पासवर्ड लेने के लिए विद्यालय के लेटर पैड पे स्कूल सील या संस्था प्रधान या मोबाइल सहित नंबर प्रार्थना पत्र ईमेल द्वारा इसमें पुनः पासवर्ड जारी किए जाएंगे, और ये इसके नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो, ये सारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है,
तो चलिए इस पे अपन यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। आपका जो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसे आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में यहाँ आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। प्रोफाइल में आपको जो भी आपकी बॉडीज है, इसमें देखो गवर्नमेंट बॉडी और लोकल बॉडीज, प्राइवेट एडिड या प्राइवेट अनएडिड स्कूल जो भी है वो, तो इसमें आपका जो भी जिस श्रेणी में आपका स्कूल आता है वो लेंगे। एरिया आपका कैसे है, रूरल है या अर्बन है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। टाइप के अंदर कौन सा विद्यालय आपका, तो सारे विद्यालय दिए हुए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, कॉलेज और अदर्स, ठीक है। तो जो भी आप जिस श्रेणी में भी आप आते हो वो आपको इसमें लिखना है। नीचे आपका स्कूल का प्रोफाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर ऑलरेडी आप पहले से हो, नहीं तो आपको करना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर देने होंगे। संस्था प्रधान के ऑटोमेटिक नाम और फ़ोन नंबर इधर आपके आ जाएंगे, क्यों आपने ऑलरेडी जब बोर्ड का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके प्रोफाइल में ऐड किया और उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप परीक्षा जो है नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, परीक्षा प्रभारी, प्रभारी का नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर ऐड करके इसको प्रोसीड कर देंगे। चलो ये करने के बाद आपकी जो है प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और फिर होम पे चले जाएँ। जैसे होम पे जाओगे तो आपका इस प्रकार से इम्पोर्टेशन यहाँ पर आएगी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और प्रोफाइल अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहते हो तो ये आएगा। पासवर्ड चेंज का ऑप्शन भी आ रहा है इधर। इधर आपका देखिए इसमें कक्षा 9th का, 10th का और 11th 12th का सभी का ऑप्शन आपके सामने है। जिससे आपका स्कूल संबंधित है वो आप इसमें यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप सबसे पहले 9th वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो फिल फॉर्म का ऑप्शन आ गया, और इस फॉर्म के अंदर आपको देखो फिल फॉर्म में आप जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका उसी प्रकार से बोर्ड की तरह आपका फॉर्म ले रहा है, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने का तरीका वही रहेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी और ये जो हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे, तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हस्ताक्षर इसके 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी विड्थ और हाइट इसमें दी गई है बाकायदे। और फिर आप इसी प्रकार से प्रोसीड कर देंगे, और प्रोसीड करने के बाद में आपको जिस प्रकार से आप रेगुलर करते हो, फॉर्म भरते हो, उसी प्रकार से सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि प्रिंट चेकलिस्ट का, अपडेट का और फिर डिलीट का, लॉक का और प्रिंट फॉरवर्डिंग का अप्रूव का, यानी सेम वही तरीका है जिस प्रकार से आप फॉर्म बोर्ड फॉर्म अप्लाई करते हो वही तरीका रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर और कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो मैंने आपको बता दिया, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके विजिट करते रहें, जो भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड वो उस लिंक पर आपको मिलेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।